गुरु जी, आपने मेरे सभी काम बहुत अच्छे से करा दिए। आपका लख लख अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं जानती भाई झुंझुन आंटी यहाँ आइए, सुधारा करिए। निधि आंटी, झुंझुन आंटी बाहर तो है, बाहर है, तभी आप उसका मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, निधि आंटी को बाहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत का, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सत्संग कराते रहिए, ऐसे ही संगत आते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पूरा सत्संग देखते रहें। अभी आगे दूसरी आंटी भी अपना सत्संग शेयर करेंगी, जो बहुत ही अच्छा सत्संग है। आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा और गुरु जी कैसे ब्लेस किए हैं। चलते हैं आगे, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग और राज अंकल क्या कहते हैं। और सुप्राणा सारी संगत के आगे सत्संग में शामिल होने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत सारे आंटी अंकल जो है सेवा होती है, सब मिलजुल के सत्संग होता है, बहुत लोग जानते हैं इस बात को। और सुप्राणा मेरे मालिक का बड़े मंदिर में दो बार के दर्शन हुए इस बार, पहले 99 में फिर फर्स्ट में, दोनों बार भिगो भिगो के दर्शन कराए गुरु जी ने। लेकिन कोई बात नहीं मालिक, जैसी नजर आपकी वैसे हमें लेके चलिए। शुक्राना मेरे मालिक, जर्नी हमारी 99 को यहाँ से बड़े मंदिर के लिए स्टार्ट थी। हमने सोचा था कि 8 बजे निकलेंगे और 8:15 बजे घर से निकले हैं और इको गार्डन जहां से आप लोग एंटर करते हैं आते हैं। मेरी पिछला टायर तुरंत निकलते हैं कि सड़क जो है वो ब्लास्ट हुआ, सब वही हो गया। 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आया, वहां कोने पे जगह थी उससे ऊपर से निकल गया टायर। और मैं वहां से हजारों बार निकला हूंगा, कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन गुरु जी को समय काटना था मालिक की रजा जैसी। और सुबह का टाइम 8:30 बजे, कहीं कुछ मिलना नहीं, आप ही जानते हो 10 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती है संगत जी। हम 10 बजे तक आशियाना में घूमते रहे, फिर एक दुकान का पता लगा, उनसे बात हुई, 10:30 बजे तक टायर चेंज हुआ, फिर बड़े मंदिर गए के लिए निकले यहाँ से, क्योंकि उस दिन बैलेंस चेंज था, बड़े मंदिर बंद था। लेकिन हम यहाँ से गुड़गांव जाना था, दीदी का फंक्शन था वो भी संगत है गुरु जी की। और फिर हम वहां जिस समय हमने सोचा था 6 बजे के 6:30 के आसपास पहुंचेंगे, पहुंचे उसी समय, बस गुरु जी को जैसे ले जाना था। गुरु जी की मर्जी, रास्ते का कोई रास्ता था जो गुरु जी ने बहुत छोटे में निकाल दिया। और वो टायर इस हालत में है ना, पंचर बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता, वो डेड हो गया है भाई। तो ऐसी चीजें होती है लाइफ में, लेकिन मालिक जैसे रखे वैसी उनकी रजा में। शुक्राना गुरु जी। कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो प्लीज आंटी आइए, अपना सत्संग शेयर करिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लीजिएगा, आ जाइए आंटी, अपना सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण गुरु जी, सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी के पास हम लोग बड़े मंदिर 2010 में पहुंचे, अभी जस्ट उसके बाद से तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं हम लोग के साथ अभी तक। लेकिन अभी लेटेस्ट जो सत्संग हुआ वो ये कि मुझे जो है 7-8 साल से जो है मैं शुगर की दवा लेती थी, और अभी जस्ट मेरी दवा बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको ना पहले कभी शुगर था, ना अभी है, ना आगे होने का चांस है, जबकि इसके पहले जो है इतने बार हमने डॉक्टर से कहा कि क्या शुगर की दवा बंद हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं आपको दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा कि शायद वो दवा पूरा पूरा हो गया था और उन्होंने जो है शुगर की दवा बंद करवा दी मेरी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा करना गुरु जी, सबकी परेशानी दूर करिए प्रभु, सब पर मेहर करिए, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखिए और हम लोग को अपनी संगत अपने चरणों में स्थान दीजिए। गुरु की कृपा हमेशा बनाए रखिए, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज आपने फिर सत्संग अटेंड करवाया गुरु जी, अपने तरीके से जब होता है तब वो सब काम करवाते हैं, उनकी कृपा से ही सारा कुछ होता है। ये उन्होंने गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु थे, उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाया है और इंसान को पता भी नहीं चलता है कि कैसे चीजें हो जाती हैं।
और सबकी समस्याएं परेशानी गुरु जी ऐसे ही दूर करते हैं प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज शायद गुरु जी ने इस सत्संग में एकदम से याद दिलाया मुझे कि ये सत्संग कहना चाहिए, ये भी उन्हीं की कृपा है। जो वो बुलवा रहे हैं, जो कहते हैं वो हम बोलते हैं, इसीलिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी सब पर तय करिएगा, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु, कृपा करिए। जय गुरु जी। जो कुछ भूल चुकी हो गुरु जी उसको क्षमा करिएगा प्रभु, आपको अंतर्यामी है सब जानते हैं प्रभु, कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सुना कि आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया, कितना उनका दुख भरा सत्संग था और गुरु जी ने उनको कैसे ब्लेस किया। तो हमारे गुरु जी बहुत प्यारे गुरु जी महाराज हैं, वो हमारी अरदास जरूर सुनते हैं। अरदास करना चाहेंगे नीलम भाभी की, नंद है उनके लिए भी और प्रशस्ति के लिए भी, अपने साथ की संगत है और इस समय उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अभी वो 3-4 दिन से हॉस्पिटल आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में थी, अभी शायद डिस्चार्ज होने वाला है उनका, तो जरा सब लोग मिलकर अरदास करिए उनके लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम जैसे संगत हैं, हमारे बीच एक संगत है, प्रशिष्टि नाम है उसका, एंड शी इज वेरी यंग और उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उसने पहला सत्संग मेरे यहाँ अटेंड किया था, तो वो काफी हम लोगों के टच में है, तो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, अभी फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, बट उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको एडमिट करना पड़ा। और 2 दिन पहले तक मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी उसी को लेकर के कि गुरु जी प्लीज आप किसी तरीके से उस बच्ची को ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो तो आपकी संगत है और बहुत दिल से सेवा करती है वो गुरु जी की। फिर उसका मैसेज मुझे रात में आता है, परसों की बात है, कि आंटी प्लीज मेरे लिए अरदास करिए और मेरा कल एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है और मेरे अंदर स्टंट पड़ने वाला है ब्लीडिंग रोकने के लिए, क्योंकि उसको मुंह से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और नोज से भी। फिर जब उसको ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे थे तो वहां पर पहुंच गई वो, बट रात में वो बहुत रोई थी और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज मुझे आप अपनी सेवा के लिए ठीक कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए गुरुजी, मुझे यहाँ बोर नहीं रहना है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे वापस आना है आपके पास। और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद जो उसको वॉमिटिंग और ब्लीडिंग हो रही थी नोज से, जो कुछ पाए गए थे उसके पीछे रिपोर्ट्स में, वैसा कुछ भी डॉक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया और उसका ऑपरेशन टल गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत पे कृपा बना के रखिए और हम लोग ऐसे ही गुरुजी से जुड़े रहे हैं। और गुरुजी इम्तहान जरूर लेते हैं, बट हाँ वो चेक करते हैं कि मेरी संगत कैसी है, उसको अगर झेल लेती है आप चाहे दुख हो चाहे खुश हो, बस गुरुजी से अरदास करते रहिए और उन पे विश्वास बनाए रखिए, वो आपको उस परीक्षा में जरूर सफलता देते हैं। और आज प्रशिष्टि अभी सिचुएशन से बहुत बेटर है और वो मुझसे बोल रही थी कि आंटी मुझे 3 दिन पहले ऑक्सीजन लगा था, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑक्सीजन भी हटा दिया गया है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं रात में रो रो के गुरुजी से शुक्राना किया मैंने। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत पे कृपा बना के रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक चीज मैं भी बोलूंगी, सॉरी, एक अंकल हैं वो बहुत बीमार हैं और बहुत प्योर सोल हैं और बहुत गुरुजी के डिवाइन वो हैं, तो नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज 1 मिनट के लिए आप उनके लिए अरदास करें गुरुजी से, उनकी गुड हेल्थ के लिए, कि गुरुजी उनको ब्लेस करें विद गुड हेल्थ। शुक्राना गुरुजी। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उनके लिए एक बार अरदास कर दें। जय गुरु जी। पता नहीं कैसे मन में आया, मेरे को जैसे ही बोला तो मेरे मन में आया मैं भी उनके लिए बोलूं। कलेक्टिव की जो एक होती है कलेक्टिव अरदास बहुत इफेक्ट दिखाती है, तो प्लीज गुरु जी ब्लेस करिए उनको, आप नाम जानते हैं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रत्ना आंटी के लिए भी अरदास करिएगा।
उनकी भी स्पाइनल कॉर्ड गिरने के वजह से स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुई है। लीला की जो पाल देखा में अच्छा उनके हाँ उनका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुई है, बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत में है। वो तो अरदास करिए मुझे बुला रही है रत्ना कश्यप गुरु जी सबको ब्लेस करें, गुड हेल्थ अपनी संगत का हमेशा जो जिनका भी हाथ पकड़ते हो उनका हमेशा साथ लेके चलते हो। जो कष्ट का समय होता है जैसे आप सब जानते हो 10% होंगे गुरु जी के साथ चलते चलते वो करना होता है, लेकिन वो भी हमें बहुत भारी लगने लगता है कभी कभी। तो मालिक सब पे रहम करिए, सब पे हेल्थ एंड वेल्थ जो भी आपको जैसे भी आपको आपकी रजा में रखना है रखिए मालिक। शुक्राना मेरे मालिक। जो भी आंटी अंकल अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं प्लीज यहाँ पे आ जाइए, सत्संग जरूर शेयर करिए। जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं उनको सबके साथ शेयर करिए। गुरु जी भी यही कराते थे, चार लोगों को बैठा के संगत को बोलते थे जा अंकल सत्संग बस, तो ऐसे बोलते ना आंटी पंजाबी में। तो गुरु जी भी ऐसे ही कुछ कराते थे, सत्संग एक दूसरे से शेयर करने से बहुत वो होता है और जहां मौका मिले वहां जरूर शेयर करना चाहिए। अरदास करिए। गुरु जी के कृपा से 9 अप्रैल 2023 को राज अंकल के घर पे गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल के यहाँ प्रति महीना सत्संग होता है, गुरु जी की यह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ऐसे ही होता रहे। जय गुरु जी। बहुत वो तो डिवाइन सत्संग था मेरे लिए, डिवाइन सत्संग बहुत जगह मैंने संगत को प्रणाम, गुरु जी प्रणाम और संगठी मान है कि वो 23 और उनका 28 तारीख को से 28 तारीख को शेयर ऑफ वॉल उनका फीवर फ्रैक्चर था, या तो वो बेड में हमेशा रहेंगी, अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे और सर्जरी कराएंगी तो शायद रिस्क है किसी को लॉक ऑफ कॉम्प्लिकेशन के लिए भी और तो गुरु जी से की गुरु जी प्रार्थना की तो गुरु जी ने जो है उसको 5 तारीख को टॉप सर्जन से उनका ऑपरेशन कराया एंड ऑपरेशन वॉज हाईली सक्सेसफुल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सेकेंड डे ही जो है उनको गुरु जी डॉक्टर ने चलाया एंड गुरुजी बैक होम एंड शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Without Guruji's blessings, nothing is possible. If Guruji is there always with us, Guruji ki ardaas karte rahiye, Guruji bhrosa karte rahiye. Jai Guruji, Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Anantam Shukrana.